कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं जा रहा हूँ भोगीनगर। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में है, एकदम बहुत ही जबरदस्त जगह है। तो वहाँ पे जाऊँगा, कैसे जाता हूँ, और इंडिया की कोई भी से आप लोग आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। और इसके मैं अभी आ गया एकदम बड़ा वाला बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में आ जाएगा। तो देखो, मैं अभी पूरा बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हूँ, और सामने तो दिखाई दे रहे वो है त्रिपुर बस स्टैंड, और मैं हूँ अभी फिलहाल फ्लाईओवर के ऊपर। तो यहाँ से चलता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। शुरू करता हूँ एक नया वाला ब्लॉग। तो भाई अभी हम लोग को देखने पड़ेगा पास कहाँ से मिलते हैं। तो भोगीनगर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग पकड़ूंगा सेलम की बस। तो सेलम की बस से वो सामने है, जो बस आप लोगों को दिखाई दे रही है वो भी मिल जाएगा सेलम की बस। तो चलो फिलहाल उठता हूँ सेलम की बस में। वो सामने तो बस दिखाई दे रहे हैं, इसी बस में हम लोग जाऊँगा सेलम। तो भैया बस भी मिल गए हमको, ये देखो। तो भाई हम लोग टिकट ले लिया 100 रुपया, जो यहाँ से सेलम का जो भाड़ा है वो 100 रुपया है। तो 100 रुपये का भाड़ा आप लोग कितना टाइम देता हो जाके पता चल जाएगा, कि अभी जो टाइम हो रहा है 11:10 हो रहे हैं। तो अभी हम लोग त्रिपुर में अभी हमारा तो सारे शुरू हो रहे हैं। तो चलो भाई, 3 घंटा बाद अभी सेलम आगे पहुँचा हो। तो ये है सेलम बस स्टॉप, और अभी थोड़ा मतलब मुँह को धो के थोड़ा फ्रेश होता हूँ। भैया अभी हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा धर्मपुरी के पास। तो चलो अभी धर्मपुरी के पास ढूंढता हूँ सेलम में, आप लोग धर्मपुरी के पास कहाँ मिलेगा। त्रिपुर से जो बस आता है उसका जो अपोजिट साइड है वहाँ पर मिलता है धर्मपुरी के पास। तो इस तरह कुछ है, देखो आप लोग आके थोड़ा पूछ लेना कि भाई धर्मपुरी के पास कितने मिलते हैं। तो हम लोग अभी उठेंगे धर्मपुरी के पास पे। तो चलो, तो भाई देखो धर्मपुरी के पास मिल गया हमें। तो फिलहाल ये बस हम लोगों को ले जाएगा धर्मपुरी। तो चलो, सेलम से 2 घंटा सफ़र करने के बाद अभी हम लोग आगे पहुंच गए धर्मपुरी। धर्मपुरी का जो बस स्टैंड है कुछ इस तरह आपका है, आप लोग देख लो, ये पूरा धर्मपुरी बस स्टैंड। और ये दो फ्रेंड हम लोग तीन आस आ गया, यहाँ से मिल जाएगा भोगीनगर की डायरेक्ट बस, वो वाला पूछता हूँ कहाँ पे। और दोस्तों सेलम से जो धर्मपुरी का भाड़ा है उस भाड़ा हम लोग को ले लिया 55 रुपया एक आदमी का, दो तीन आदमी का कुल मिला के 165 रुपये हो गया। तो अभी वेट कर रहे हो बस के लिए, बस इस तरह आ जाएगा बोल रहे हैं। दोस्तों जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, जो धर्मपुरी से भोगीनगर की बस है वो एक्चुअली टाइमली बस है, और यहाँ से बस शुरू होते थे 4:15 यानी 4:15 में। तो अभी हो रहे 4:15 है, और 15 मिनट हम लोग वेट करना पड़ेगा। बात जो है इस तरह आ जाएगी, जो एकदम मिडिल पॉइंट में एक लाइट है इसके नीचे बस आ जाएगी। तो वेट कर रहे हो इस टाइम में, थोड़ा साई बीता है ना, थोड़ा साई भी गई इस टाइम में, क्योंकि पूरा रात ट्रैवल कर रहे हो भाई हम लोग, पूरा रात हम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो थक जा रहे हो कभी कभी, मतलब वैसा वाला थकावट नहीं है, जो प्रेशर वाला है ना वैसे वाला थकावट। तो चलो अभी साई भी हम लोग को मिल गया भोगीनगर के पास। देखो भोगीनगर के पास में अभी उठ गए हो, जो कि टाइम जो है अभी मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम लोग उस क्रम में हम लोग उस तरफ जाके थोड़ा 8 घंटा मर रहा था, उसने उठा था वो भोगीनगर नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग उतार दिया 20 रुपये ले था। वही सोच रहा था कि 50 रुपये में, मतलब 50 किलोमीटर है 20 रुपये में जा रहे हैं, लेकिन वो बस भोगीनगर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग दूसरा बस पकड़ रहे और एक बस इसमें जा रहा हूँ भोगीनगर, मतलब 4 बस ऑलरेडी चेंज कर लिया, पता नहीं सामने तक वाचे करना पड़ेगा। तो चलो इसका एक्सपीरियंस भी ले लेता हूँ। तो भाई फाइनली आके पहुँच गए भोगीनगर एकदम 4 बस चेंज करके। तो आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हो, कैसे भी आ जाओ, अगर आप लोग इंडिया के अलग अलग कोने से आ जाओगे तो आप लोग डायरेक्ट पहले आना पड़ेगा चेन्नई, और चेन्नई से सेलम की बस पकड़ोगी, तो सेलम की बस होगा वो धर्मपुरी होकर आएगी, तो आप लोग को धर्मपुरी उतर जाओगी, और धर्मपुरी से डायरेक्ट बस मिल जाएगा भोगीनगर की, तो आप लोगों को उतर देगा कुछ इस तरफ की जगह पे, मतलब बस स्टॉप है, हम लोग थोड़ा नदी के किनारे आ गए, ये है कावेरी नदी। और अगर मेरे जैसे हो त्रिपुर यानी कोयम्बतूर से आता हो तो वहाँ से सेलम आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाफ नहीं होगा, अगर आप लोग डायरेक्ट बस आओगे तो डायरेक्ट बस डायरेक्ट नहीं मिलते तो बहुत मुश्किल होता है। तो सेलम आ जाओ, सेलम से धर्मपुरी आ जाओ, और धर्मपुरी से यहाँ का डायरेक्ट बस पकड़ लो, तो ऐसा हो जाएगा इसका सफ़र। तो भाई अभी वीडियो ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए एक अलग सा ब्लॉग सामने आ जाएगा। तो आप लोग बताओ हमारा बस का राइट का मतलब नाइट ट्रैवल था वो कैसा था। तो
हम लोग तो भाई क्या करना, थक भी गया हो, कभी कभी इंजॉय भी किया हो। तीन अभी होना, तीन अभी होने की वजह से बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी मतलब कुछ मुश्किल भी होता है ना, ज़्यादा लगता नहीं मुश्किल हो रही। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया आज का सफ़र। और टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।